आज पीपल फार्म के किचन से हम आपके साथ एक ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, सावरडो ब्रेड की। ये जो सावरडो ब्रेड की रेसिपी है उसको हमने जो घर पे बनाया हुआ स्टार्टर है उसका इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में, और वो रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर भी की है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और ये जो ब्रेड है सावरडो ब्रेड, ये अपने आप में एक हेल्दी ब्रेड है, और जो लोग ग्लूटेन इनटॉलरेंट होते हैं, जो बहुत ग्लूटेन नहीं खा सकते अपनी डाइट में, उन लोगों के लिए भी ये ब्रेड ठीक है, क्योंकि जो फर्मेंटेशन होता है वो ग्लूटेन को ब्रेक कर देती है और कई लोगों को इस ब्रेड को खाने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए अब ये रेसिपी देखते हैं। एक बड़ी परात में हम 2 कप सूखा आटा डालेंगे और 1 कप पानी का। उसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच खमीर का जो हमने घर पे बनाया है, और सबको आटे की तरह गूंध लेंगे। पर आटे की तरह हम इसे सख्त नहीं गूंदेंगे, इसको हम ढीला ढीला गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे इसमें और ये ढीला होता जाएगा। हम इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक गूंदेंगे, और जब ये अच्छी तरह से गूंद जाएगा तो आप इसको आटे को खींच के देख सकते हैं, तो वो टूटना नहीं चाहिए, वो एक इलास्टिक की तरह खिंच जाएगा। तो यानी कि हमारा आटा तैयार है। आटे को अच्छी तरह से मलने के बाद इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद इसको प्लेट से ढककर एक गर्म जगह पर 1 से 2 घंटे तक रख दीजिए। अब जब आटा फूल जाएगा तो उसको हम मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले मोल्ड को मैंने ऑयल लगा लिया है उस पर, और फिर उसके बाद मैं इस पर आटा छिड़कूंगी थोड़ा सा, जो सूखा आटा होता है। सारे कॉर्नर्स पे आटा अच्छी तरह से लग जाना चाहिए ताकि जो ब्रेड है वो इस पर चिपके ना। उसके बाद सारा आटा इकट्ठा कर हम मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। और उसको ढककर हम धूप में एक बार फिर 1 से 2 घंटे तक रख देंगे। जब आटा एक बार फिर फूल जाएगा तो ये अवन में रखने के लिए रेडी है। अवन में रखने से पहले मैंने इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। उसके बाद हम इसको 180 डिग्रीज पे 1 घंटे के लिए लगभग बेक होने के लिए रखेंगे। 1 घंटे के बाद हम इसे अवन से निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसके स्लाइसेस करिए और इसको सैंडविचेस बनाइए इसके, या इसके आप टोस्ट बनाइए, या ऐसे ही शाम की चाय के साथ इसका मज़ा लीजिए।